देखे वाला सब दर्शक लोग के आज चुकल बानी हम खास प्रोग्राम लेके जेका नाम बाटे भोजपुरी गॉसिप्स। ए प्रोग्राम में हम बताई ले इंडस्ट्री आ स्टार लोग से जुड़ल कुछ गॉसिपिंग भरल खबर जे लेके एक बार फिर से हम हाजिर बानी। तो चलिए शुरुआत कर जा और जानल जाओ पहला खबर जो जुड़ल बाटे भोजपुरी के सिंगर राकेश मिश्रा से। राकेश मिश्रा के हाल ही में एगो गाना रिलीज भइल बोलबम के। अब रोवा सब ये सोचत हो कम कि भाई सब कोई रिलीज करता तो एमे राकेश मिश्रा रिलीज कर दिले तो कौन बड़ बात बा। एमे बड़ बात ई बटे कि राकेश के गाना तो रिलीज हो गए लेकिन वो गाना पर सोशल मीडिया पर फिर से मच गए बा बवाल। काहे कि गाना के अश्लील ठहरावल जा रहल बा। आमतौर पर भगवान और भक्ति भाव के गाना जब बनेला तो उमें भक्ति भाव जैसन सीन होके के चाही। अब मनोरंजन के लहजा से भी अगर भक्ति भाव के गाना बनावा तारल जा चाहे बनाता तो उमे भक्ति भाव के ही सीन डाले के चाहिए। अब दो गो लड़की के हेने ठार करके लाइक लटका झटका दो गो लड़की लोग के हेने ठार करके लटका झटका शोभा देला तो यह बात कुछ लोग के बुरा लागल। यही का चलते उ लोग विरोध कैलक के गाना के जरा चलते राकेश मिश्रा के गाना सोशल मीडिया से डिलीट करे के पड़ल। आ हाल फिलहाल में बीतल दिन पहले SRK म्यूजिक से ये गाना के ऑडियो सॉन्ग रिलीज भल। तब का कुछ हो खाता ए गाना पर बवाल ऐसे जुड़ल एगो खास खबर हम रोज सब खातिर ले आइल बनी देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के कलाकार राकेश मिश्रा अपने सीजनल गानों के लिए जाने जाते हैं। गानों के साथ साथ राकेश कुछ फिल्मों में भी अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बीते कुछ दिनों से राकेश मिश्रा के वीडियो सॉन्ग में बढ़ती अश्लीलता को देख कई लोगों ने अब राकेश पर तंज कसना और सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये सवाल आखिरकार शुरू कहाँ से हुए? नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं। दरअसल हाल ही में राकेश मिश्रा का एक बोलबम का कावर सॉन्ग रिलीज हुआ था जिसके बोल थे दरदिया भइल बाए भोला। आमतौर पर कावर सॉन्ग हमेशा भक्ति भाव के लिए बनाए जाते हैं जिसे लोग फोन या रेडियो में कावर ले जाते समय या बोलबम जाते समय सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राकेश का ये कावर सॉन्ग मनोरंजन के लहजे से इतना बनाया गया कि इसमें लड़कियों के लटको झटकों के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यानी राकेश के इस वीडियो सॉन्ग में कुछ लड़कियों के लटके झटके और डांस दिखाए गए जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस गाने का वीडियो कुछ दिनों पहले SRK म्यूजिक से रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों के कहने पर और लोगों के कहने पर डिलीट कर दिया गया और अब इसका ऑडियो सॉन्ग बीते दिन पहले रिलीज किया गया है SRK म्यूजिक से ही। लेकिन कुछ लोगों ने इस गाने के वीडियो को डाउनलोड कर अपने चैनल से रिलीज किया जिस कारण राकेश को अभी तक सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल यादव हाल ही में काजल राघवानी का साथ एगो गाना के शूटिंग कैले बढ़े जेकर शायद एगो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होका था जेमे बुलेट का साथ काजल राघवानी नजर आवतारी पीला सूट में। ऐसे पहले वो मेहंदी लगा के रखना फिल्म में भी बुलेट चला चुकल बड़ी और उनकर दबंग लेडी के अवतार सब दर्शक लोग भी पसंद कर जला। एकरा अलावे आकाश सिंह का साथे भी भौजी पटनिया के वो एगो फिल्म के शूटिंग कैले बड़ी ओहो में बुलेट चलाते नजर आयल बड़ी एक्शन करत नजर आयल बड़ी। लेकिन हाल ही में काजल राघवानी का साथ छोड़ के खेसारी के अगला फिल्म जो मिलल बाटे ओमें काजल राघवानी नहीं की बल्कि एगो नया एक्ट्रेस के एंट्री होके जा रहल बा जिनका नाम बटे मुनमुन घोष। मुनमुन घोष के एगो पहला फिल्म आ चुकल बा जेमे उनकर फोटोशूट बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन का तरह चर्चा में रहे। तो हम मुनमुन घोष आ खेसारी के ए नया जोड़ी से जुड़ल एगो खास खबर दिखावे जा रहल बानी रोवा सबके देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने हाल ही में मिथिला टॉकीज की नई फिल्म साइन की है। इस फिल्म का नाम है मेरी जंग
मेरा फैसला। इस फिल्म की शूटिंग 2 जुलाई यानी बीते दिन पहले से मुंबई में शुरू कर दी गई है। इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं जाने माने निर्देशक राजू। भोजपुरी सिनेमा को नया आयाम देने में मिथिला टॉकीज का नाम काफी अदब से लिया जाता है। दर्शकों को अपने सिनेमा के जरिए भरपूर मनोरंजन करने वाले इस कंपनी की स्थापना सन 2000 में निर्माता मनोज कुमार चौधरी ने की और अब तक मिथिला टॉकीज ने कई कामयाब फिल्में बनाई जिसमें डकैत, हम हई लुटेरे, गुंडई राज, राखेला सान, भोजपुरिया जवान, इज्जत और जानलेबू काहो प्रमुख है। इस कैंप में पहली बार खेसारी लाल की एंट्री हुई है। भोजपुरी फिल्म मेरी जंग मेरा फैसला में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के अपोजिट बंगाली बाला मुनमुन घोष को लॉन्च किया जा रहा है। साथ में होंगे अवधेश मिश्रा, सुबोध शेठ, देव सिंह, संजय वर्मा, मनीष चतुर्वेदी, दिलीप सिंह। इस फिल्म की कथा, पटकथा और संवाद तैयार किया है एसके चौहान ने जबकि संगीत दिया है मधुकर आनंद ने। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर हैं इकबाल सुलेमान और कैमरामैन हैं प्रिंस। इस फिल्म को लेकर खेसारी लाल यादव काफी उत्साहित हैं और वो कहते हैं कि मिथिला टॉकीज के साथ जुड़कर मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है। मिथिला टॉकीज की फिल्में भोजपुरी सिनेमा को महत्वपूर्ण बाजार देती हैं और मुझे पता है कि मनोज कुमार चौधरी की फिल्म मेरी जंग मेरा फैसला भोजपुरी सिनेमा को एक नया मुकाम दिलाएगी। भोजपुरी फिल्म के क्वीन रानी चटर्जी आजकल अपन फिल्म के शूटिंग कर रहल बड़ी। वो कौना फिल्म के शूटिंग करे ली एकर जानकारी तबे होखेला जब फिल्म रिलीज होखे वाला होगी। फिलहाल इनकर फिल्म नहीं की आवत यही से ही जानकारी तो नहीं की दिले लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर जितना बवाल मचाता वो बवाल से तंग आकर रानी चटर्जी एगो पोस्ट डाले बड़ी। जितना एक्टिव वो फिल्म इंडस्ट्री में रहेली उतने एक्टिव वो सोशल मीडिया पर रहेली। दर्शक लोग के कमेंट के जवाब होखो चाहे मैसेज के रिप्लाई चाहे होखो कौना मुद्दा पर पोस्ट वो हमेशा शेयर करत रहेली। हाल ही में एगो पोस्ट शेयर कर ले बड़ी आ इंडस्ट्री आ उसे जुड़ल कुछ लोग खातिर आ जे लोग सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलावता उसे जुड़ल एगो खास पोस्ट डाले बड़ी जेकरा के हम रउआ सबसे भी साझा करे जा रहल बनी देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों की क्वीन रानी चटर्जी इन दिनों अपनी काफ़ी सारी फिल्मों को करने में व्यस्त हैं लेकिन फिल्मों के साथ साथ रानी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। हर तरफ उनकी नज़रें रहती हैं और सारी गतिविधियों को देखते हुए वो अक्सर अपने फेसबुक वॉल पर कुछ बातें भी शेयर करती हैं। हाल ही में रानी ने एक और पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, ओ माय गॉड, फेसबुक ओपन करो तो सिर्फ नेगेटिविटी पढ़ने को मिल रही है जिसे कोई नहीं जानता वो भी हमारी इंडस्ट्री को एडवाइस कर रहा है। जब मैंने पहली फिल्म की थी तब हमें नहीं पता था कि उस फिल्म से काफी कुछ बदलने वाला है। तब ना कोई भोजपुरी चैनल था, ना ये यूट्यूब पे कोई न्यूज आती थी, ना एफबी इंस्टा थे, तब जबकि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाया। आज तो हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन चुकी है। अभी जो लोग एडवाइस देने में लगे हैं उनसे निवेदन है अपने काम पर ध्यान दें। नेगेटिविटी खुद के अंदर है उसे खत्म करें। हमारी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो सब बहुत खुश हैं। आई फील ऑलवेज प्राउड टू बी पार्ट ऑफ भोजपुरी सिनेमा एंड एक्ट्रेस। अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी इंडस्ट्री वालों को ना दें, खुद की कमियाँ देखें। मेरा ये पोस्ट उन सब के लिए है जो FB पर नेगेटिविटी लिख रहे हैं। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बा इंडस्ट्री के लकी अदाकारा खूबसूरत हीरोइन आम्रपाली दुबे से। आम्रपाली दुबे जब से अपन वेट लूज करे में लगल बड़ी तब से उनकर हर लुक के दर्शक लोग के बहुत बेसब्री से इंतजार रहेला। एकर फायदा भी वो बखूबी उठावे ले काहे कि अपन इंस्टा से वो दिन पर दिन एक ना एक तस्वीर शेयर करत रहेली जेमे उनकर बदलल अवतार सब कोई के पसंद आवेला। हाल ही में अपन इंस्टा से एगो तस्वीर आम्रपाली शेयर कैले बड़ी जेमे वो बहुत खूबसूरत अंदाज में नजर आईली लेकिन उनकर फैंस में से कोई पूछ देला उनका से कि का बॉलीवुड में जाए के तैयारी बटे। चाहे कुछ लोग इहो कहले बटे कि रउआ बॉलीवुड खातिर बनल बनी बॉलीवुड फिल्म करी त ए पर शायद आम्रपाली सोच सकेले कि हम बॉलीवुड में जाएं कि ना जाएं लेकिन उनका एगो हम इंटरव्यू याद दिला देता नहीं जेमे वो बॉलीवुड में जाए से चाहे केहू सिनेमा में जाए से सख्त मना कर देले रही आ का कुछ कहले रही देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। Hmm.
भोजपुरी फिल्मों की खूबसूरत अदाकारा और लकी गर्ल कहलाने वाली एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग करने में व्यस्त हैं, जिस पर लोगों की नज़रें बरकरार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम्रपाली की फिल्मों के साथ साथ कुछ लोगों की नज़रें आम्रपाली की खूबसूरती पर भी लगी हुई हैं। दरअसल हाल ही में आम्रपाली दुबे अपना वेट लूज होने के बाद से लगातार अपनी अलग अलग अवतार की फ़ोटो शेयर करती रहती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर हाल ही में आम्रपाली ने शेयर की, जिसमें साड़ी में गोल्डन झुमकों के साथ आम्रपाली बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इन तस्वीरों को देखकर आम्रपाली के कई फैंस ने उन्हें बॉलीवुड में जाने की सलाह भी दे डाली। लेकिन आम्रपाली ने तो अपने एक इवेंट के दौरान अपने इंटरव्यू में ही साफ साफ कह दिया है कि मैं किसी और इंडस्ट्री या बॉलीवुड में नहीं जाना चाहती। फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि इसी इंडस्ट्री को इतना अच्छा बनाऊँ कि मुझे किसी और इंडस्ट्री में जाने की जरूरत ही ना पड़े। और यह सच है कि इंडस्ट्री को बेहतर फिल्में देने की जद्दोजहद में आम्रपाली लगातार व्यस्त हैं। तो ये रहे आज के कुछ गॉसिपिंग भरल खबर। चले के समय हो चुकल बा, अगला प्रोग्राम में फिर से होके मुलाकात ऐसा नहीं गॉसिपिंग भरल खबर का साथ ही। लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी इजाजत, प्रणाम। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।